अल्कोहल्स की बात करने के बाद आज हम शुरू करेंगे फिनॉल्स। सबसे पहली चीज हम देखेंगे इसकी प्रेपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल टॉकिंग अबाउट इट्स रिएक्शंस, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फिनॉल्स के बारे में कि ये बनते कैसे हैं, यानी कि प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स देखा था, सिमिलरली हम प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखेंगे। किस किस से बन सकता है फिनॉल्स? सबसे पहला फ्रॉम हेलोएरीन्स, नंबर टू विल सी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड वी विल सी फ्रॉम बेंजीन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब तक आपको डाइजोनियम सॉल्ट याद आ चुका होगा कि कैसा होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर N2+Cl-। नंबर फोर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्यूमीन, करेक्ट? ये चार डिफरेंट मेथड्स होंगे जिससे हम फिनॉल्स को बनाएंगे। आज हम इन चारों मेथड से फिनॉल्स बना के देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं फ्रॉम हेलो अरीन्स। फ्रॉम हेलो अरीन्स, अब हेलो अरीन्स क्या होते हैं? कोई भी एक बेंजीन की आपके पास रिंग है और उसके ऊपर कोई एक हेलोजन लगा है, करेक्ट? दिस इज वॉट इज हेलो अरीन। इससे हम बनाएंगे फिनॉल को बाय द मेथड कॉल्ड एज डॉज प्रोसेस। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में, अब तो सिर्फ फिनॉल्स में रेपिटेशन है। देखिए आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक स्पीड पकड़ेगी क्योंकि आपको मैकेनिज्म्स समझ आने शुरू हो चुके हैं, किस तरह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, उस पर चार्ज क्यों आता है, हैलोजन हाइड्रोजन कैसे मूव करता है, हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है, मिथाइल शिफ्ट क्या होती है, इस तरह से आप लोगों ने मैकेनिज्म समझ लिए हैं। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। तो देखिए ये है आपके पास विनाइल रिंग, बेंजीन रिंग विद अ हैलोजन विच इज ए हेलोअरीन और वी कैन से क्लोरो बेंजीन, करेक्ट? इसकी रिएक्शन जब हम NaOH के साथ एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर पे करते हैं, सो हमें मिल जाता है एक आयन जिसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, करेक्ट? और इसकी जब हम एसिडिक मीडियम में एसिडिफिकेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो वी विल गेट फिनॉल। देखो बोर्ड के लिए ये रिएक्शन इतना ही है, ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ी ना रुकना है। वी आर नॉट लुकिंग एट ओनली बोर्ड्स, हम कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि सब चीज़ें हुई कैसे हैं। मैकेनिज्म वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आता हो तो रिएक्शंस बड़ी तेज़ी से समझ में आती हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि डॉज प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म क्या है। बच्चों देखो, यूँ तो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जिस मैकेनिज्म को हम रिपीट करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा रखता है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, हाउ विल यू शो द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे देंगे और आपसे बोलेंगे बताइए, एरोज बना के दिखाइए इसके कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, तब फंस जाएंगे। तब तभी हमारे को मुसीबत से छुटकारा मिलेगा अगर अपने को मैकेनिज्म आता हुआ। बच्चों एग्ज़ाम में जब फाइनल पेपर होता है तो अक्सर कहते हैं बच्चे एग्ज़ाम मुश्किल था। अरे भाई मुश्किल तो लगेगा ना, जब आपने चीज़ पढ़ी नहीं समझी नहीं तो फिर वो मुश्किल ही होगी। मैकेनिज्म आ गया, मान लो उन्होंने एग्ज़ाम में दे दिया इसका मैकेनिज्म बताइए, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने तो रिएक्शन का रट्टा मारा था, हो गया मुश्किल। चलिए इसका मैकेनिज्म फटाफट से देखते हैं। ये है आपके पास एक बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है, क्लोरीन। बच्चों यहाँ आपको एक और नई मज़ेदार बात बताते हैं, क्लोरीन बींग इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ दो चीज़ें याद रखिए, एक आपके पास होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, एक होता है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, करेक्ट? आपको याद होगा हम इसे शॉर्ट फॉर्म में M या फिर I इफेक्ट बोलते हैं। दोनों हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब इस केस में देखो मीजोमेरिक इफेक्ट कहीं भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। बट सिर्फ एक हैलोजन ऐसे हैं जहाँ पे आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक। लेकिन हम पहले समझ लेते हैं मेरा इन मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है। बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा हमेशा तब होता है
जब एक इलेक्ट्रॉन गिविंग या इलेक्ट्रॉन टेकिंग ग्रुप रेजोनेंस के साथ रिलेटेड होता है, और अगर वो सिर्फ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से रिलेटेड है, सिर्फ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर वो रेजोनेंस से रिलेटेड है तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट है। बात समझ में आ रही है कुछ? अगर रेजोनेंस से रिलेटेड है, कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है, वहाँ एम इफेक्ट मिलता है, मीजोमेरिक इफेक्ट मिलता है। जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, राइट? अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, तो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? माइनस आई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिंग में से अपनी तरफ खींच रहा है। जो चीज़ अपनी तरफ खींचती है वो माइनस आई कहलाती है इफेक्ट में, क्योंकि रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, राइट? दूसरी चीज़ देखो, इसके पास लोन पेयर भी है। अब ये लोन पेयर को डीलोकलाइज भी कर सकता है। देखो ना, ये रिंग में फेंक सकता है इलेक्ट्रॉन को, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिंग में छोड़ रहा है, डीलोकलाइज करा रहा है। लेकिन हैलोजन्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली क्लोरीन के केस में, बिकॉज इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है माइनस एम, प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट को। ध्यान रखना बच्चों, हैलोजन में क्लोरीन का इफेक्ट एक ऐसा है जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज हैलोजन्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि हैलोजन्स जो होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हैं, लेकिन हैलोजन्स का इफेक्ट में क्लोरीन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा मिलता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से क्लोरीन की प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की जाती हैं, ठीक है? तो इस छोटे से बैकग्राउंड के साथ चलिए आगे चलते हैं। अब हमें यह भी पता है कि रिंग में जब कहीं हम कुछ मेंशन नहीं करते तो डेफिनेटली वहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है। देखो, एक दो तीन, इस कार्बन के पास एक दो तीन, चौथी बॉन्ड कौन सी है? हाइड्रोजन की। सिमिलरली यहाँ पे भी है, सब जगह पर होगी, करेक्ट? सो नाउ इसी रिंग को लेते हैं और शुरू करते हैं हमारा मैकेनिज्म समझना। तो यहाँ एक हाइड्रोजन मार्क कर लेते हैं, ये आपका क्लोरीन, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। सो अब क्या होगा? हमने कहा इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं एन ए ओ एच के साथ एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट अ वेरी हाई प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर। अब एन ए ओ एच में बच्चों क्या मिलेगा? देखो, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नाउ लुक एट इट, ये ऑलरेडी लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, इसके पास तो एन ए जाने से रहा, क्योंकि लाइक एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगी, बॉन्ड टूटने लगेगी। हमें अभी पहले वैसे भी एन ए पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करने वाला, सबसे पहले रिएक्ट करेगा ये ओ एच नेगेटिव आयन, क्योंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में ओ एच नेगेटिव विल बी एक्टिव रिएजन। ये किसके पास जाएगा? नेगेटिव है, इसके पास तो जा नहीं सकता, ये जाएगा हाइड्रोजन के पास, करेक्ट? तो देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। देखिए, ये हाइड्रोजन के पास जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे छोड़ जाएगा और एच पॉजिटिव निकल आएगा। सो देखिए, देर इज एन एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ओ एच नेगेटिव एंड एच, राइट? तो देखो, वापस रिंग बनाते हैं अपनी, क्लोरीन विद इट्स लोन पेयर एंड अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, नाउ विद अ बॉन्ड ओवर हियर, बॉन्ड हियर। अब क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, बॉन्ड को हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? अब ये अनस्टेबल हो गया, दिस इज वेरी अनस्टेबल। देखो ना, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी लोन पेयर, अब क्या करें? नाउ बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन कोई भी हैलोजन होते हैं, दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, इट विल मूव आउट बाय हाउ, ये अपने ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा और ये कहेगा मैं चला गया, उसकी मर्जी। अब देखो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये प्लस चार्ज। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, रेजोनेंस में स्टेबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं। पहला फैक्टर उसमें हम रेजोनेंस में ये देखते हैं कि क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हाँ, हो रहा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव करेगा यहाँ से। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि चार्ज सेपरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन?
इसके चार्ज को कम करने के लिए बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। सो देखो यहाँ क्या बन गया, 1, 2, 3 और एक बॉन्ड और आ गई। दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइन मॉलिक्यूल एंड दिस इज एन इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट विच इज हाईली अनस्टेबल। हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एसपी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और एसपी कॉन्फ़िगरेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 180 डिग्री। तो देखो यहाँ तो 180 डिग्री नहीं बन रहा, ये कार्बन आगे देखो 60 डिग्री बन रहा है। सो दैट इज़ व्हाई देर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल बी वेरी हाई क्योंकि एसपी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, करेक्ट। एसपी कॉन्फ़िगरेशन माने 180 डिग्री तो है नहीं है, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, दैट इज़ वाई इट इज़ हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। बात क्लियर हो गई यहाँ। अब ये क्लोरीन जो निकला था यहाँ से देखो माइनस सी एल नेगेटिव, अब यहाँ से एन ए पॉजिटिव बचा हुआ था, दिस एन ए पॉजिटिव इज गोइंग टू कम्बाइन टूगेदर एंड विल फॉर्म एन ए सी एल। देखो क्लियर है। सो पहले ओ एच नेगेटिव आया, एच को लेके पानी के फॉर्म में निकल गया, उसके बाद सोडियम आया क्लोरीन को लेके बाहर निकल गया। बच्चों यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, जब भी टेम्परेचर हाई होगा, मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिए, वेन एवर टेम्परेचर इज वेरी हाई इट इज गोइंग टू कॉज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ देखो एलिमिनेशन हो रहा है, वाटर का एलिमिनेशन, NaCl का एलिमिनेशन। सो मैकेनिज्म क्या हो गया, E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन क्यों, OH नेगेटिव पहले H को लेके गया था, सो इट इज वन मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू गेट रिमूव्ड, करेक्ट। सो दिस इज एन एलिमिनेशन मैथड, हाई टेम्परेचर पर हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, याद रखिए, लिखिए, दोबारा लिखिए और मेरे साथ बोलिए, हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। लो टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन होगा, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन होगा। सो सेम मॉलिक्यूल आपको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट रिएक्शन दे सकते हैं, बात क्लियर। चलिए अब ये रिएक्शन जो है बच्चों एक बेसिक मीडियम यानी NaOH में हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास NaOH एक ही है, और भी तो हैं, तो एक और NaOH आ गया। जैसे ही एक और NaOH आया, ये OH आया, इसने इसको डिस्टर्ब किया कि इसको बैलेंस किया जाए, क्योंकि ये तो खुद, ये मॉलिक्यूल खुद अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। सो ये क्या करेगा, अगेन देर इज अ चार्ज सेपरेशन। सो जैसे ही चार्ज सेपरेशन होगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव मौका परस्त प्राणी यहाँ पहुँच गया। देखो एगा, मैं तेरा मसीहा बेटा, हम आपको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये आ गया OH, इसके ऊपर चिपक गया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होनी है, गुड। लेकिन स्टिल स्टिल इट इज़ एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो चार्ज नेगेटिव आ रहा है, डबल बॉन्ड है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीस्ट चार्ज सेपरेशन जहाँ होगा वहीं पर स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। सो अब यहाँ पर क्या हुआ, दया भाव आया, किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये नेगेटिव चार्ज था। अब सबसे दयावान कौन है, हाइड्रोजन, वो हर जगह भागता फिरता है कि मैं तेरे को स्टेबलाइज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। वॉट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा, कहेगा तू ले ले भाई, मैं चला, और ये एच पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। सो देखिए क्या बना चार्ज में, मॉलिक्यूल चेंज हो गया मेरा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आ गया एच यहाँ पे वापस, और ये बन गया क्या, ओ नेगेटिव। अब ये ओ नेगेटिव है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, इसके ऊपर चार्ज भी नेगेटिव का है, ठीक है, नो डाउट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए आइडली। तो अब क्या करें, इसको चार्ज को हमने न्यूट्रलाइज करना है। तो लुक एट इट, ये एन ए पॉजिटिव अभी भी बाकी है, ये एन ए पॉजिटिव इसके ऊपर आके कनेक्ट करेगा, देखो कैसे, ये आ गया एच इसके ऊपर लगा हुआ, ये था ओ, इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, ये एन ए पॉजिटिव आया और उसने एन ए के साथ कनेक्ट कर लिया, बोलो ठीक। नाउ लुक एट इट, मॉलिक्यूल क्या बन गया, अभी इस एच को मैं दिखाऊं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इच दिस एच इज देयर, ठीक है ना, एक दो तीन चार है ना, चारों बॉन्ड्स बनी हुई हैं। सो ये आ गया आपका ओ, ओ के साथ एन ए आ गया, देर इज वन हाइड्रोजन, ऑब्वियसली आई हैव जस्ट मेड द रेजोनेंस, सो
आई कैन जस्ट चेंज द बॉन्ड्स एज वेल, राइट? सो ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड. बच्चों एल्कोहल के रिएक्शंस के अंदर सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए इस चार्ज को ध्यान में रखिएगा. मैं एक बार फिर समराइज कर देती हूँ हाउ द चार्ज इज मूविंग. जब आपके पास बेंजीन रिंग आया विद अ क्लोरोबेंजीन मिला आपको, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस OH नेगेटिव के साथ चला गया. इसकी मर्जी नहीं थी, OH नेगेटिव खींच के ले गया इसको, क्योंकि बेसिक मीडियम था एक्वस है. इसने तोड़ा अपने आप को, OH नेगेटिव बनाया, Na पॉजिटिव बनाया. अब OH नेगेटिव किसी ऐसी जगह जाएगा जहाँ से वो स्टेबल मॉलिक्यूल को निकाल पाए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है. सो OH नेगेटिव H को लेगा और पानी का मॉलिक्यूल निकालेगा, क्योंकि वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स. तो इसने उठाया, पानी बनाया और बाहर निकल आया. अब क्या बन गया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ गया. ये नेगेटिव चार्ज आया तो क्लोरीन ने कहा चलो मैं थोड़ा सा स्टेबलाइज करता हूँ, बिकॉज एक तो ये माइनस आई इफेक्ट लेके बैठा है, फिर एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है. तो इसने ये इलेक्ट्रॉन उठाए और Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर आ गया. इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला, इन्होंने एक बॉन्ड बना दी. तो देखिए यहाँ पर बेंजाइन बन गया और खुद Na पॉजिटिव के साथ निकल गया, जो कि ये बचा हुआ Na था, करेक्ट? Na प्लस बाहर आ गया. सो हाई टेम्परेचर है, एलिमिनेशन होना ही होना है. वाटर का एलिमिनेशन हुआ, NaCl का एलिमिनेशन हुआ, एंड आपको एक बेंजाइन रिंग मिल गई जो कि हाईली अनस्टेबल है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड के अंदर sp कैरेक्टर होता है. 180 डिग्री बॉन्ड होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर लेस देन 180 डिग्री है. सो देर इज अ टेंशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू VSEPR देर इज अ लॉट ऑफ रिपल्शन गोइंग ऑन. रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज बना, दूसरा NaOH का मॉलिक्यूल आया और OH ने अब पटक से जाके प्लस वाले के साथ स्टेबिलिटी बना ली. हमें क्या मिल गया, OH, बट एक नेगेटिव साइन के साथ मिला ये OH, है ना? तो आपको लग रहा होगा फिनॉल तो बन गया, अरे नहीं बना ना, ये नेगेटिव साइन अभी भी बाकी है, इसको भी तो न्यूट्रलाइज करना है. तो आए हमारे दानवीर करण, Na यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि Na यहाँ पर आने से स्टेबिलिटी नहीं बनती, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट बना, पहले रिएक्शन हुई और फिर उसका मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि अब इस चार्ज को हटाना है और Na भी है, तो मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया गया कि ये देर वॉज अ हाइड्रोजन प्लस शिफ्ट, H प्लस ने आके इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना. अभी मुझे फिनॉक्साइड बनाना है, सोडियम फिनॉक्साइड, वो तभी बनेगा जब ये H हटेगा. H को हटाना है, नेगेटिव साइन को न्यूट्रलाइज करना है, H को यहाँ मूव कर दिया हमने. आपके पास एक फिनॉक्साइड आयन बन गया, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज फिनॉक्साइड आयन. अगेन दिस फिनॉक्साइड आयन इज, ऑल्दो इट इज हाईली स्टेबल आयन, बट स्टिल एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अभी भी बैठा है. एंड वी डू नॉट वॉन्ट एनी चार्ज ऑन द रिंग, क्योंकि कोई वही रिंग या वही मॉलिक्यूल स्टेबल है जो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं. इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल किया Na प्लस ने, और देखिए सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया. बोलिए ठीक. बस अब इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद डाइल्यूट HCl आया. अब HCl है, उसने H पॉजिटिव देना है, Cl नेगेटिव भी देना है. सो वॉट इज गोइंग टू हैपन, ये जो बॉन्ड है इसमें ब्रेक होगा, एज अ रिजल्ट Cl NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा, एंड यू विल गेट अल्कोहल OH विदाउट एनी चार्ज ऑन इट, प्लस NaCl विल बी लॉस्ट, ठीक है? तो देखिए कितने मॉलिक्यूल NaCl के निकल रहे हैं, NaCl के दो. कितने NaOH यूज हुए, दो NaOH यूज किए, एक HCl यूज हुआ. सो टू NaOH मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद वन बेंजीन रिंग और बेंजीन हेलोएरीन रिंग टू प्रोड्यूस एल्कोहल एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. इज दैट ओके? मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, एग्जाम में आ सकता है. मैं आपको फिर बता दूं, एग्जाम में आ सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना पड़ेगा. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बच्चों सल्फोनिक एसिड पहले हम देख लेते हैं होता क्या है, है ना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ये SO3H. अब अगर आपको याद हो फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, या हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए थे जहाँ नाइट्रोसिल बेंजीन बनाया, सल्फोनिक बेंजीन बनाया, एंड क्लोरोबेंजीन भी वहीं से बन रहा था, मिथाइल भी वहीं से लग रहा था. सो ये वही मेथड्स हैं जो हमने क्लास 11 में किए थे बच्चों. दिस इज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल मेथड. डॉस प्रोसेस भी है,
और ये मेथड भी आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजीन फिनॉल है। हम इसे इंडस्ट्रियल मेथड या मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये लार्ज स्केल पे काम होता है इस पे। ठीक, तो डॉस प्रोसेस भी है जो अभी हमने किया था लास्ट NaOH के साथ, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ भी इसका रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना, और फिर उससे हम बनाएंगे क्या, अल्कोहल, फिनॉल बना लेंगे। सो देखें, पहले सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास एक बेंजीन का रिंग है, सिंपल बेंजीन रिंग है। इसकी रिएक्शन बच्चों हमने की फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, और सही कई बार बुक्स में लिखा होगा ओलियम। ओलियम क्या है बच्चों, H2S2O7, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में रिएक्शन एक ही होने वाली है। होगा क्या, इसका H निकलेगा, ध्यान से देखो, सोचो, यहाँ से H इसका निकलेगा एक, पॉजिटिव निकला, SO3H नेगेटिव आके इसके ऊपर चिपक गया, वाटर बाहर हो गया। क्योंकि देखो H2SO4 था, इसने क्या आपको देना है, HSO3 प्लस OH नेगेटिव, देख रहे हो, OH नेगेटिव, तो ये प्लस हुआ, ये एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, HSO4 ने पॉजिटिव बनेगा, OH नेगेटिव आएगा, ये OH नेगेटिव इसे पॉजिटिव को लेके जाएगा। अब तक तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जाएगा, एच पॉजिटिव बाहर आएगा, OH नेगेटिव से कनेक्ट करेगा, और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आके कनेक्ट कर जाएगा SO3H प्लस वाटर विल बी रिमूव्ड। सिंस वी नो सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फ्यूमिंग है यानी टेम्परेचर बहुत हाई है, एलिमिनेशन तो होना ही होना है। सो देर इज एन एलिमिनेशन, पॉजिटिव चार्ज बनने की, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से रिंग के ऊपर SO3H आके कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म दी सल्फोनिक एसिड। अभी सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनेगा देखिए, अभी मैकेनिज्म हम उसका देख चुके हैं, सोडियम फिनॉक्साइड का, ठीक है, बस वैसा ही मेथड है और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। इसकी रिएक्शन किया हमने NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सेम रिएक्शन है, पहले NaOH के साथ किया, फिर हमने डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन कर देनी है, हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल, राइट। अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैकेनिज्म कैसे होगा, चलिए इसको छोटा सा समरी हम कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की भी। SO3H है ना, और इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ की, तो NaOH के अंदर देखो OH नेगेटिव आएगा, Na पॉजिटिव होगा, ये OH जो है इट विल गो एंड आस्क फॉर दिस H, ये H लेके जाना चाहता है, ठीक है। सो देखो क्या बन गया, SO3 नेगेटिव, देर इज अ लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, और सोडियम इसके पास आके कनेक्ट हो गया, बोलो ठीक। जैसे हमने सोडियम फिनॉक्साइड किया था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आयन, सॉल्ट बना क्योंकि देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। सो ये बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर एक और, इसके अंदर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, Na है, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद अनदर NaOH, देखो अब क्या होगा, माइनस Na2SO3 माइनस वाटर, ये दोनों चीजें निकलेंगी, लेकिन ये कैसे होगा, देखो NaOH के दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने, मैं की रिएक्शन में आपको सब बता रही हूँ, ठीक है। वाटर निकलेगा, देखो ये गया H2O इन द फॉर्म ऑफ वाटर, Na2O और ये क्या है SO3, सो Na2SO3 निकल गया, आपके क्या क्या बन जाएगा, ONA, और फिर इसकी रिएक्शन हमने की डाइल्यूट HCl के साथ, तो रिएक्शन में हमारे पास क्या आ गया, फिनॉल प्लस NaCl, राइट। ध्यान से देखो, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। ठीक है जी,
ये आपका निकल जाएगा यहाँ से, ये एन ए इसके पास चला गया, देखो ऑक्सीजन के साथ है ना, और ये रहा एन ए टू एस ओ थ्री बाहर आ गया, ओ एन ए कनेक्ट हुआ हुआ है, वाटर आपका बाहर हो गया, करेक्ट। सो दिस तरीके से आपका फिनॉल बन सकता है। दिस इज़ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। इसका मैकेनिज्म कम पूछा जाता है, सीधी रिएक्शन पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि एन ए ओ एच के साथ जब फिनॉल की रिएक्शन होगी एट हाई टेम्परेचर, सो वॉट इज़ गोइंग टू फॉर्म, सोडियम फिनॉक्साइड। डायल्यूट एच सी एल के साथ रिएक्शन करोगे, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, करेक्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के लिए हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए एक प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन माने नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन कनेक्टेड हो, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितनी बॉन्ड्स हैं, दो और एक तीन बॉन्ड्स होती हैं, करेक्ट। इसका मतलब तीन बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर होता है, राइट। क्योंकि नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर में क्या बनाते हैं, ये रहा लोन पेयर, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा आपका एक और हाइड्रोजन, और ये रहा कार्बन। कार्बन के साथ ऑब्वियसली ये रिंग लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज प्राइमरी अमीन। अब ये लोन पेयर भी इसके पास है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसके साथ आपने रिएक्शन किया एन ए एन ओ टू प्लस यू हैव एच सी एल एट वेरी लो टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 degrees Celsius। इस पे जब रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोनियम आयन। क्या था नाइट्रोनियम आयन, एन टू प्लस सी एल नेगेटिव। बेंजोनियम आयन, सॉरी नॉट द नाइट्रोनियम आयन, दिस इज ए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को बच्चों क्या कह रहे थे हम, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन, डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डायजोटाइजेशन एंड इट इज पॉसिबल विद 1 degree amine। ठीक, तो ये बन गया। अब डायजोनियम सॉल्ट से हमने बनाना है क्या, एल्कोहल। तो कुछ नहीं करना, वार्म एच सी वाटर के अंदर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक। जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा फिनॉल, आपको मिलेगा नाइट्रोजन गैस और एच सी एल, ठीक। अब इसका मैकेनिज्म बच्चों इम्पॉर्टेंट है, आपको डायजोटाइजेशन आनी चाहिए, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरह से एल्कोहल बनेगा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट वाला ही देख लेते हैं बच्चों। देखो हमारे पास है NaNO2 और HCl, इसकी रिएक्शन की तो हमें क्या मिला, HNO2 प्लस HCl, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से ही रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, 0 to 5 degree Celsius के ऊपर। अब ये नाइट्रस एसिड को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, OHNO, कैन आई राइट इट, क्या मैं इसे OHN डबल बॉन्ड O लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, आई कैन डू इट, ठीक है। सो क्योंकि मॉलिक्यूल तो वही HNO2। सो देखो अब क्या हो रहा है, HON डबल बॉन्ड O। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक। इसको हमने एक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने HCl यूज़ किया हुआ था। अब जब मीडियम HCl है तो ये थोड़ी कि एक ही HCl है, आपको इस एसिडिक मीडियम में कर रहे हो ज़्यादा HCl होगा और भी होंगे, सो एक HCl थोड़ी मॉलिक्यूल है। फ्रॉम अदर HCl मॉलिक्यूल हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन की फ्रॉम एच विद एच 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 पॉजिटिव फ्रॉम एनी अदर HCl मॉलिक्यूल, ठीक। जब आपने किया तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव देखो भूखा, ये ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये आता है नाइट्रोजन भी तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दे देता है अपना लोन पेयर। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, 1 2 3 इसके पास है अपनी बॉन्ड बनी हुई तीनों, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। ये कुछ नहीं है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन है। जहाँ आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन समझ में आ गया तो आप ये सॉल्व कर जाओगे। अब देखो ये H पॉजिटिव है, इसके लोन पेयर लेने के बजाय वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा एक लिविंग ग्रुप बना देगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट करके कुछ नहीं बनाएगा, कोई लिविंग ग्रुप नहीं बनेगा। दिमाग में ये भी आता है इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर जाता
तो बेटा OH नेगेटिव इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग एजेंट एज कम्पेयर टू वाटर. सो मॉलिक्यूल्स इस तरह से बनना चाह रहे हैं कि एक लिविंग ग्रुप बन जाए. सो देखो यहाँ से जब बॉन्ड बनेगी तो क्या बना मेरे पास, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके साथ ये हाइड्रोजन कनेक्टेड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर. अब ज़रा ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. हाउ डू यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन कितने होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, राइट? 6 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 गए 4, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. तो 6 दूना 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, माइनस 3 करो 1 बचेगा. एज अ रिजल्ट इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. बोलो ठीक होगी बात. अब क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाएगा. क्यों टूटेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट इज़ वॉन्ट्स इट्स मोर इलेक्ट्रॉन बैक. तो ये बॉन्ड टूट के इसको इलेक्ट्रॉन देगी एंड यू विल गेट वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड. सो यू विल गेट H2O प्लस N डबल बॉन्ड O. नाउ यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चों, तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5. कितने बॉन्ड पेयर हैं उसके पास? 2, ठीक है? और लोन पेयर भी उसके पास अपने 2 हैं, ऑब्वियसली 2 तो लोन पेयर थे ही ना उसके पास. सो 2 इसके लोन पेयर, 2 इसके बॉन्ड पेयर, 4, एक अभी भी बैलेंस बाकी है जो कि नेगेटिव, जो निकल गए 2 चले गए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड दिस आयन इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम आयन. देखो कितना इंटरेस्टिंग है यार ये, आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके समझेंगे ना इसको, बड़ा मज़ा आएगा आपको. कितना इंटरेस्टिंग है कि फॉर्मल चार्ज निकाल लो भाई इसका. यू हैव नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है. सो यू हैव 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कितने हो गए? 4 निकल गए. अब और कुछ बचा नहीं, सो इसका मतलब इसके पास एक वैलेंस. सो दिस इज हाउ वी फॉर्म द नाइट्रोसोनियम आयन. अब पॉज करके नोट कर लीजिए. अब जो HNO2 हमने यूज़ किया और हमने नाइट्रोसोनियम आयन बनाया बच्चों, ये वो आयन है जो आपके एनिलीन को, आप जानते हैं ना इसे बेंजीन अमाइन को हम एनिलीन के नाम से भी जानते हैं, जो एनिलीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा. देखो जी ये जादू अब कैसे होगा, ठीक है? ये रहा आपका एनिलीन. देखिए मैकेनिज्म को ध्यान से और प्यार से सीखिए, आपको उतना ही मज़ा आएगा सीखने में भी और उतना ही मज़ा आएगा करने में भी. सो ये रहा आपका नाइट्रोजोनियम आयन पॉजिटिव. नाउ लुक एट इट, ये है पॉजिटिव, ये है लोन पेयर. अरे बाबा रे मज़ा आया. ये लोन पेयर इसका उठाएगा, एक डेटिव बॉन्ड बनवा लेगा इसके साथ. ठीक, तो बना लेते हैं. ये रहा एन. अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ तो कोई दिक्कत, यहाँ लोन पेयर थे, ये डेटिव बॉन्ड बना एन डबल बॉन्ड ओ. ठीक, नाउ लुक एट इट. अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए? हमें ये एन टू को निकालना है और एच को भी निकालना है, तभी तो ओ एच बनेगा और ओ को यहाँ कंबाइन कराना है. अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला काम है, मगर कोई बात नहीं. अब यहाँ देखो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज. अभी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया कि प्लस का मतलब क्या है या माइनस का मतलब क्यों है. दिस इज़ नथिंग बट द फॉर्मल चार्ज, करेक्ट? तो देखिए अब मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा दानवीर कौन है, हाइड्रोजन. ये कहेगा भाई तेरे पास कमी है तो कोई बात नहीं भाई, तू अपने इलेक्ट्रॉन रख ले मैं निकल जाता हूँ, ठीक है? ये हाइड्रोजन बेचारा महाशय बाहर को निकलने को तैयार. तो ये देखिए यहीं पर कर लेते हैं हम लोग माइनस एच प्लस, ठीक? और ये रहा नाइट्रोजन जिसके साथ लगा है एक हाइड्रोजन, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब कोई चार्ज नहीं, ये एन डबल बॉन्ड ओ बन गया. बोलो ठीक. अब देखो बड़ी मज़ेदार चीज़ आने वाली है बच्चों, ध्यान रखिएगा. यहाँ होगी टॉटोमेरिज्म. और अगर आप लोगों को टॉटोमेरिज्म याद है तो क्या था, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड. ये मेरा तरीका कहने का, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, या X सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z. अगर हो तो X के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन Z के पास पहुंच जाएगा.
This is what is tautomerism, rearrangement of hydrogen and a double bond. जब H इसके पास आएगा तो double bond यहां पहुंच जाएगी. बोलो ठीक. तो देखिए कुछ यहां समझ में आ रहा है आपको. एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके साथ लगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भाग कर आएंगे जेड के ऊपर, लग गया. तो देखो क्या बनाया हमने. ये रहा आपका नाइट्रोजन और ये वाली डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी यहां, क्योंकि नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन और ये आ गया इसके ऊपर हाइड्रोजन. बोलो ठीक. नाउ सिंस इट इज टॉटोमेरिज्म, इसका मतलब ये एक आइसोमेरिज्म है, कभी ऐसा कभी वैसा इक्विलिब्रियम में आएगा, कभी ये बनेगा कभी ये बनेगा, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायनेमिक है, कभी इधर से इधर कभी इधर से इधर, इट विल कीप ऑन मूविंग. अब देखो क्या होगा. हमें मालूम है कि पानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले भागना चाहता है, ठीक. इसके साथ लगा है ऑक्सीजन, इसके साथ लगा है हाइड्रोजन, इसके पास पड़े हैं दो लोन पेयर, है ना. तो देखो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ निकला था दानवीर हमारा, ये आके रोता रोता ऑक्सीजन के पास पहुँच गया, ठीक. जब ये ऑक्सीजन के पास पहुँचा तो ऑक्सीजन ने इसको शरण में अपनी ले लिया, कहता कोई बात नहीं भाई तो मेरे पास आ जा. तो ये महाशय पहुँच गए इसके पास. तो ये देखिए डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O विद अ डेटिव बॉन्ड हाइड्रोजन, अ लोन पेयर N हाइड्रोजन. बोलो ठीक. एंड वी नो दैट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप. सो ये वाटर लिविंग ग्रुप है अगर, तो लीव करने के लिए देखो इसने डेटिव बॉन्ड बनाई थी तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज तो आना ही था. इस प्लस चार्ज को शांत करने के लिए ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, करेक्ट. तो देखो क्या बन गया. नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज देयर. बोलो ठीक. देखो अभी तक हमने अपना डायजोनियम आयन नहीं बनाया, अभी डायजोटाइजेशन हो रही है, अभी तक N2 प्लस Cl नेगेटिव नहीं बना है. बोलो ठीक. क्योंकि हम सोच रहे हैं फिनॉल बना रहे थे, हम कहाँ पहुंच गए, ये तो अभी तक नाइट्रोजन पे ही घूम रहे हैं. तो बेटा सबसे पहला स्टेप है उसमें डायजोटाइजेशन का, जब तक डायजोनियम आयन नहीं बनेगा तब तक आप फिनॉल नहीं बना सकते, ठीक. अब बन गया मेरा क्या, N2 प्लस का मॉलिक्यूल. तो देखो इसके पास क्या पड़ा है, लोन पेयर, है ना. अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को शांत करने के लिए, शांत शांत प्रभु, ये अपने लोन पेयर यहां देगा. तो क्या बन गया, नाइट्रोजन विद अ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए तो चार्ज इसके ऊपर आ गया. बोलिए ठीक, है ना. तो ये आ गया, यहां पर बना लेते हैं एक बार. तो ये देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसको शांत, इसका नाइट्रोजन का पॉजिटिव साइन हट गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गई नाइट्रोजन, इसने अपने लोन पेयर दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज. बोलो ठीक है. अब देखो ये क्या हुआ, अब इसके ऊपर आया HCl. हमने HCl का H पहले ही यूज कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, ठीक है, इनिशियली. अब बचा क्या, Cl नेगेटिव. ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इट विल कम हियर एंड विल कनेक्ट टू दिस. सो आपको पास देखो क्या बन गया, N2Cl नेगेटिव. प्लस कर लो या नेगेटिव कर लो, ये दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे क्योंकि बॉन्ड बन रही है. सो यू गेट द N2Cl आयन, ठीक है जी. अब डाइजोनियम सॉल्ट तो मिल गया, अब इसकी सिर्फ आपने हाइड्रोलिसिस करनी है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव से, OH नेगेटिव से. तो अब देखिए क्या बनने वाला है, पहले तो HCl निकल जाएगा, फिर ये OH नेगेटिव आएगा, जैसे Cl निकलेगा नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, तो ये जो OH माशे होंगे, इट विल कम एंड कनेक्ट टू दिस कार्बन एंड यू विल गेट अ फिनॉल. सिंपल. सो इम्पॉर्टेंट है आपको डायजोटाइजेशन का मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए,
क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, हाउ डाइजोनियम डाइजोटाइजेशन अकर्स, हाउ द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म, उसके आगे का मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, डाइजोटाइजेशन पे अटका लेते हैं आपको, तो इन इस मैकेनिज्म को ध्यान रखिएगा। लास्टली वी विल फॉर्म, जो कि आपकी पुस्तक में है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, पहले देख लेते हैं क्यूमीन खुद क्या है। क्यूमीन 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 इज CH3CH3। आप इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, करेक्ट, या 2-फिनाइल प्रोपीन ये भी कह सकते हो। ठीक, 2-फिनाइल प्रोपेन। सो ये है आपका क्यूमीन, इससे हम बनाएंगे एल्कोहल। क्यूमीन से एल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या करना है? एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक, इन दी एरियल, ही रहने देते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। And then in step number 2, we will be doing the acidic hydrolysis. और हमें मिल जाएगा हमारा desired product, that is alcohol. और एक by product भी मिलता है बच्चों, exam में इस by product की बड़ी importance है। जब ये reaction आती है और choice, multiple choice questions आते हैं, तो इसमें आ जाता है what are the by products formed. प्रोडक्ट फॉर्म में आप लिख देते हो खाली फिनॉल, और अगर ऑप्शन में एसीटोन भी साथ में हुआ तो आपको लिख के आना है, और 90% क्वेश्चन में ये आता है कि फिनॉल भी एक बाय प्रोडक्ट है जो बन रहा है इसमें। ठीक है जी, तो चलिए इसका फटाफट देखते हैं रिएक्शन हो क्या रहा है और किस तरीके से इस रिएक्शन के अंदर चेंजेस आएंगे। बोलो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, दैट इज़ दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन यूज़ होने वाला है। देखो कैसे, सबसे पहले तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही बना के देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग आ गई। अब जहाँ कुछ मेंशन नहीं होता, इसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन है सब जगह, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, SP3 होना चाहिए। यहाँ पे SP2 कॉन्फिग्रेशन है नो डाउट, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन बच्चों हमने की है प्रोपीन के साथ, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है ये, इसलिए ध्यान से समझिएगा। प्रोपीन के साथ रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एंड वी हैव हीटेड इट। नाउ वी शुड नो व्हाट इज H3PO4। H3PO4 इज एसिडिक मीडियम डेफिनेटली, हाई टेम्परेचर पे है, इट इज़ ऑल्सो अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट, ध्यान रहे। दिस विल फॉर्म CH3CH3। लेकिन इस रिएक्शन को समझने के लिए पहले हमें ये देखना है कि ये कार्बोकटाइन बना कैसे था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमें समझना है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसकी रिएक्शन हमने H3PO4 की प्रेजेंस में हीट करके बनाई। ये एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, इसने क्या देना है, H+। ये H+ आके डिस्टर्ब करेगा इस मॉलिक्यूल को। ठीक है, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। सो एच पॉजिटिव आके इसके ऊपर कनेक्ट किया, आपको क्या मिला, CH3CH+ CH3। बोलो ठीक, सिंस यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है तो हम समझ गए कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन होने वाली है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में बच्चों एक और चीज़ होगी कि ये वाला जो प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा। अब ये देखो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, सो ये कौन सी रिएक्शन होगी, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो मैं किसी एक एच को दिखाऊंगी, सबको नहीं दिखाते, ये एच हटेगा तभी तो ये लगेगा,
है ना? इसकी रिएक्शन आपने की है CH3CH प्लस CH3 के साथ। सो देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको दे के जाएगा, ये बाहर आएगा, ये फटाक से यहाँ चिपक जाएगा। सो ये रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि बेंजीन रिंग की अल्काइलेशन हो रही है, तो आपको याद होना चाहिए इस रिएक्शन का एक बड़ा मज़ेदार नाम है बच्चों, एंड दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये की थी हमने कक्षा 11वीं में भी की है, 12वीं में भी की है। सो इट इज़ अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं रिएजेंट बच्चों? हम यूज़ करते हैं एनहाइड्रस, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज़ किया जा सकता है इन केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बस उसमें फ़र्क सिर्फ ही होगा, रिएक्टेंट बदल जाएगा मेरा, ठीक है? देखो कैसे, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। कर लिया पॉज? ओके, देखिए उसके अंदर क्या होगा, आपके पास बेंजीन का एक रिंग है, उसके साथ आपके पास एक क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। सो हमें पता है प्रोपाइल क्लोराइड में क्या होगा, Cl नेगेटिव ये लेके भाग जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देयर विल बी अ रीअरेंजमेंट, पॉजिटिव चार्जेस पे आएगा और ये आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। बात क्लियर हुई या मैं थोड़ा फास्ट चली गई? ऑब्वियसली जो H पॉजिटिव आएगा वो इस HCl के साथ निकल जाएगा एंड AlCl3 विल गेट बैक। ध्यान से देखो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज नॉट अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगी, इसके ऊपर चार्ज शिफ्ट करेगी, सो देर इज अ हाइड्राइड शिफ्ट, एज अ रिजल्ट इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक? आपको क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और AlCl3 वापस आएगा, ये Cl नेगेटिव जो निकला हुआ H पॉजिटिव होगा उसके साथ कनेक्ट कर जाएगा, राइट? सो ये हुआ, ये तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन हो गई। अभी देखो क्यूमीन से क्यूमीन की हमने की एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन आ जाए तो माने सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी? एरियल ऑक्सीडेशन, और अगर सनलाइट आ जाए तो हमें मालूम है वहाँ कौन सा मैकेनिज्म आ जाता है? यस, इट इज़ दी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो माने आपको फ्री रेडिकल मिलेंगे, आपका यहाँ कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की जगह यहाँ पर एक रेडिकल बनेगा, करेक्ट? तो आपके पास रिएक्शन में आता है बच्चों सी, मैं इसको CH3 को यहाँ लगा लेती हूँ, ये एच है, इनके बीच में परऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगी, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन को हटाएगा और दोनों बीच में आके घुस जाएंगे। एज अ रिजल्ट ये जो कार्बोकेटाइन की जगह आपका एसीटोन है ये बाहर आ जाएगा, OH विल कम एंड कनेक्ट विद दिस। बच्चों पहले रिएक्शन हुआ, फिर मैकेनिज्म को समझा गया कि ऐसा हुआ होगा, ठीक? इसीलिए कई रिएक्शंस में आपको लगेगा अरे ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये ऑक्सीजन क्यों निकला, वो क्यों नहीं निकला, वो मैकेनिज्म से समझ में आएंगी चीज़ें। सो इसीलिए क्यूमीन की जब भी रिएक्शन होगी, और ये क्यों टूट रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस, हमने वार्म वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस की है, ठीक है जी? पानी जैसे इसमें ऐड होगा तो आपका वाटर H पॉजिटिव जो है, ठीक है, वाटर डिसोसिएट करवाएगा, आपको OH यहाँ मिल जाएगा और एसीटोन बाहर आ जाएगा। वाटर सिर्फ एसिडिक मीडियम दे रहा है आपको टू ब्रेक दिस बॉन्ड, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करता है, राइट? आइए इसका मैकेनिज्म फटाफट से देख लेते हैं। अभी तो हमने मोटा मोटा सा पढ़ा था, जिनकी समझ में आ गया बहुत अच्छा है, वॉन्ट टू स्किप द मैकेनिज्म मे स्किप, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म देखते हैं तो रिएक्शंस आपको फंडामेंटली क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसका मैकेनिज्म।
तो ये रहा आपका कार्बन, जिसके साथ एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ और एक हाइड्रोजन लगा है, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। ये रही ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमने कहा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, यानी एक रेडिकल ये बना और एक रेडिकल ये बन जाएगा। बोलो ठीक है। इस रेडिकल की वजह से इजिएस्ट बॉन्ड तोड़ने कौन है, जो दानवीरकरण होगा हमारा, यानी कि ये वाली बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बन गया, चलिए इस पे ही बना लेते हैं अब सी सी एच थ्री सी एच थ्री। अब इसके पास रेडिकल हैं, ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोजन बाहर जाना चाहिए, इसके ऊपर एक रेडिकल है और ये इस तरह से ये हाइड्रोजन है, दूर हो गया उससे। जैसे ये दूर हुआ तो ये ऑक्सीजन जो है क्या बना, इस ऑक्सीजन ने बीच में आके भांजी मार दी, मार देते हैं भाई। ये देखो ये ऑक्सीजन आ गया, अपने अपने रेडिकल लेके आया था, इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बना दी। बोलो ठीक। अब ये रिएक्शन हमारी हो रही है बच्चों एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक मीडियम में मेरे पास एच पॉजिटिव है, डेफिनेटली इनके पास अपने अपने लोन पेयर हैं। अब दिमाग में आएगा एच पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मगर एच पॉजिटिव जाएगा कहाँ, एच पॉजिटिव बच्चों जाएगा इसके पास। क्यों जाएगा इसके पास, क्योंकि इससे एक लिविंग ग्रुप वाटर बन सकता है ना। तो देखिए सी सी एच थ्री सी एच थ्री, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड अ डेटिव बॉन्ड विद हाइड्रोजन। बोलो ठीक है। नाउ ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन छोड़ के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, सो यू विल गेट, चलिए यहाँ बनाते हैं, सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड देर इज अ लॉस ऑफ वाटर, राइट, पानी निकल गया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये इससे कार्बन से ऑक्सीजन नहीं ले सकता, कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा ऑक्सीजन, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। देखो मैं, कोई भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब कोई लिविंग ग्रुप हो या कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा हो, है ना। कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने पे इसको कुछ भी नहीं फायदा हो रहा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, फिनाइल जो है वो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा, निकले जाएगा और ये जाके इसके साथ कनेक्ट कर जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिनाइल वापस लेगा। देखिए इसका मैं आपको एक इंटरमीडिएट स्टेप दिखा देती हूँ, फिनाइल निकला नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, सी एच थ्री, देर इज अ शिफ्ट ऑफ फिनाइल, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा इमिडिएटली बन भी जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस पर प्लस चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है उस पर प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इससे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या बन गया मेरे पास, ऑक्सीजन के साथ अब फिनाइल रिंग कनेक्ट हो गया, उसको न्यूट्रल, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। इसके साथ कनेक्टेड कौन है, कार्बन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है और ये रहा आपका सी एच थ्री सी एच थ्री। बात समझ में आई, देर इज अ फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल आयन का शिफ्ट हो रहा है, लुक एट इट, ठीक है। तो अब ये बात बन गई, अब इसके ऊपर फिनाइल चार्ज आ गया, इसके लोन पेयर शांत हो गए, इसके अपने पास लोन पेयर है, चार्ज अब कार्बन के ऊपर आ गया। अब क्या करें, ये जो पानी का मॉलिक्यूल बच्चों निकला था, ठीक है, ये वाला पानी का मॉलिक्यूल, अब देखो क्या करेगा, ये पानी का मॉलिक्यूल जाके कनेक्ट करेगा कार्बन के साथ। क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जा नहीं सकता। सो हमारे पास बनेगा कार्बन, सॉरी ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बगल में कार्बन, कार्बन के साथ लगे हुए हैं दो अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और ये रहा मेरा प्लस चार्ज,
इस प्लस चार्ज के ऊपर आएगा बच्चों पानी, हम यहाँ बना लेते हैं। इसके पास आया वाटर ऑक्सीजन के साथ, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, डेटेड बॉन्ड बनाएगा, ये प्लस चार्ज इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन हम यहाँ बना लेते हैं कार्बन को। आई एम जस्ट गोना चेंज द डायरेक्शन फॉर द टाइम बिंग। CH3, CH3 कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डेटर बॉन्ड टूवर्ड्स ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के दोनों हाइड्रोजन, बोलो ठीक। और इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों? प्लस का चार्ज। अब हमें मालूम है इसको अपना प्लस का चार्ज तो शांत करना पड़ेगा ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव दिस चार्ज लॉन्ग देन। तो ये क्या करेगा, एक दानवीर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और एच पॉजिटिव को बोलेगा भैया जाओ। तो देखो क्या बना, CH3, CH3 विद द डेटिव बॉन्ड। अब वो डेटिव बॉन्ड हट जाएगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लेके खुद को शांत कर लिया है, ठीक है। और यहाँ बचा क्या मेरे पास, हाइड्रोजन। ओके, ये बॉन्ड गलत बन गया आपका, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक, एंड अ सिंगल हाइड्रोजन, बोलो ठीक है। नाउ अब क्या करना है, हमारे को बनाना है फिनॉल। फिनॉल का मतलब कि मुझे ये सारा का सारा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, ये हटना चाहिए। इसको हटाने के लिए आई नीड अ स्टेबल मॉलिक्यूल। देखो क्या बनेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन नहीं चाहिए मुझे। ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी ले लेगा और ये एच पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बना मेरा, नेगेटिव चार्ज। एच पॉजिटिव जो निकल रहा है बच्चों, इट विल कम एंड कनेक्ट विद दिस ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन CH3, CH3 ओ नेगेटिव, ये ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, जैसे इसके ऊपर डबल बॉन्ड आया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये वाली बॉन्ड जो है अब अनस्टेबल हो गई। एज अ रिजल्ट ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठेंगे और ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि देखो कार्बन के ऊपर पांच बॉन्ड नहीं आ सकती, इसने अपना, अच्छा इसने नेगेटिव चार्ज दिया इसके ऊपर दिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा अभी के लिए, लेकिन ये पांच बॉन्ड बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज अनस्टेबल कार्बन। देखा जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज हम बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन के पास छोटे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, फोर, कितनी बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, सो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 माइनस 5, -1 का चार्ज इसके ऊपर आ सकता है। -1 को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म ओ नेगेटिव। नेगेटिव भी नहीं होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन उठाएगा, लोन पेयर बन जाएंगे क्योंकि इट कैन टेक अनदर लोन पेयर, है ना। सो देखो ओ एच बना इसके साथ और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। एज अ रिजल्ट यू विल गेट CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन निकल जाएगा आपके पास। अरे एच तो यहाँ है ही नहीं ना, एच नहीं है इसके पास, ठीक है। ओ सी बॉन्ड ओ, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी पूरी है तो इसके पास सिर्फ लोन पेयर है, कोई चार्ज नहीं है। अब क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा सो यू विल गेट एच पॉजिटिव विल कम एन अटैक ऑन इट टू फॉर्म ओ एच। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म दी फिनॉल। एक बार मैकेनिज्म आपको समराइज कर देते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा बिकॉज ऑफ सनलाइट, आपके रेडिकल्स बनेंगे, जैसे ही रेडिकल बनेंगे दोनों ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड बना देंगे। परऑक्साइड बॉन्ड बनते ही एसिडिक मीडियम है, वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन एग्जिट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया और कार्बन के ऊपर वाटर निकल गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो वाटर का मॉलिक्यूल निकला है
वो जाके बॉन्ड बनाएगा आपके कार्बन के साथ, ठीक है, और कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट कर गया। वाटर मॉलिक्यूल के कनेक्ट करने से देर इज़ अ रीअरेंजमेंट, कभी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास आएंगे एंड वाटर का रिमूवल फिर हो जाएगा, और कार्बन के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन कनेक्टेड रहेगा ऑक्सीजन के साथ, एंड देर इज़ अ फिनाइल शिफ्ट गोइंग ऑन। ये वाला फिनाइल शिफ्ट जो होगा कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऑक्सीजन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए देर इज़ अ फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट की वजह से कार्बोकटाइन बना, कार्बोकटाइन पे वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट होगा, एज अ रिजल्ट एसीटोन का एलिमिनेशन हो जाएगा एंड ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज यानी फिनॉक्साइड आयन के ऊपर, आयन के ऊपर, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन, आयन, फिनॉक्साइड आयन, इसके ऊपर एच पॉजिटिव कनेक्ट करेगा और फिनॉल बना देगा। राइट, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। एक और मेथड होता है बच्चों जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट इलेवेंथ में ही पढ़ा है हमने, दैट फिनॉल कैन बी फॉर्म बाय दी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, इसका मैकेनिज्म हमें ज़्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ समझना है कि रिएक्शन क्या है। सैलिसिलिक एसिड है, अगर आप NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करते हो तो पहली चीज़ वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, सो यू विल गेट OH यहाँ पे रहेगा, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, सो यू गेट CO ONA। ठीक, देन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl आपके पास रिएक्शन क्या बनेगा, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन होगी, डाइल्यूट HCl के साथ नहीं, सोडा काम के, यू हैव सोडा एंड देन कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, सोडा लाइम की रिएक्शन, दैट रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम विद एनी कार्बोक्सिलिक एसिड कॉजेज दी डी कार्बोक्सिलेशन बाई द रिमूवल ऑफ Na2CO3। सो यू विल गेट Na2CO3 निकल जाएगा, यानी ये सारा का सारा एक साथ, और H जो है यहाँ के लग जाएगा, सो यू विल गेट ओनली फिनॉल। सो दिस इज जस्ट द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द सैलिसिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म हमें इसमें नहीं करना। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, सो टिल देन टेक केयर।